यार मतलब ये एंट्रेंस है राजा साहब की, मतलब किले का जो है यहाँ का एंट्रेंस है, ये देखो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है यार। मतलब फील हो रहा है कि उस समय यार कितना शानदार रहा होगा ये। अभी तक मतलब ये इतना खूबसूरत बचा हुआ है, देखो मतलब एक एक पत्थर बिल्कुल जमाए हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि उस टाइम पे तो सीमेंट वगैरह कुछ हुआ भी नहीं करता था। कितना सुंदर यार, मतलब इंडिया में वाकई में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं यार, वो भी अपने लोगों ने बिल्कुल हाथों से बनाया यार, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है यार। मतलब वाकई में यार दिल खुश हो जाता है अगर देख लो तो। बहुत सारी यूनिक चीज़ों में से कुछ एक यूनिक चीज़ ये है, मध्य प्रदेश का रायसेन किला बहुत ही खूबसूरत है यार। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग आओ और विज़िट करो यहाँ पे। इससे ज़्यादा खूबसूरत और व्यू आपको कहाँ मिलेगा यार। वैसे भी भोपाल और मतलब मध्य प्रदेश तो ग्रीनरी के लिए ही जाना जाता है, यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी बहुत है, मतलब बहुत सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पर। तो भाई कुछ इस तरीके का व्यू है यार, मतलब गजब यार। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मतलब कितने शानदार महल में घूम रहा हूँ मैं वाकई में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी हवा चल रही है यार, मतलब देखो तो यार, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल किले जैसा। बिल्कुल देखो कितने शानदार मतलब लाइन से पत्थर जमे हुए हैं यार, बिल्कुल एकदम पीस कर करके कट कर करके पत्थर जमाए गए हैं, तो इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है यार वाकई में दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब देखो यार किला, फाइनली हम किले के पास पहुँच गए हैं यार। मतलब वाकई में देखो यार क्या ग्रीनरी है यार, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है यार ग्रीनरी यार। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ऊपर तो ध्यान दिया जा रहा है, बट नीचे की ओर जहाँ अपन एंट्रेंस जो है वहाँ पर थोड़ा सा ख़राबी आ रही है, बट हेरिटेज है कि हेरिटेज में आता है ये, तो सरकार इस पर ध्यान देती है। तो बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब अभी आगे चल के अपन को पता चलेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो वैसे यहाँ पर तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, वैसे आगे चल के देखेंगे क्या लिखा है क्या नहीं है, इसके बारे में अपन पता करेंगे क्या है क्या नहीं। तो क्या खूबसूरत व्यू है यार, एक बार और देखो यार कितना शानदार लग रहा है यार। मतलब यार आई लव दिस यार, मतलब ऐसे प्लेस मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब क्या ही तो नक्काशी यार। मतलब यार देखो यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये गेट है यार यहाँ का, छोटा सा गेट मतलब शायद लगाया होगा अभी कुछ टाइम, ये पिलर हैगा। तो ये अपन ने एंट्रेंस मारी यहाँ पे, तो फाइनली व्हाट अ व्यू यार, इससे इससे ज़्यादा सुंदर व्यू यार कहाँ हो सकता है यार। देखो यार क्या शानदार है यार, मतलब गजब यार। तो दिस इज़ अ किला, तो ये है किला अभी तो, मतलब अंदर तो बहुत बड़ा किला है यार, अंदर से बहुत बड़ा किला है। तो ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, अपन पढ़ के देखेंगे यहाँ पर। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या शानदार व्यू है यार, मौसम यार, मतलब ये देखो यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है बिल्कुल, आधा पूरा नक्काशियों में बिल्कुल। ये पत्थर रख लगाए गए हैं यहाँ पे रिनोवेशन के लिए, जो जो अगर टूटता फूटता है तो उसकी मरम्मत भी की जाती है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है यहाँ का व्यू यार। ये छोटा सा गेट है यहाँ का, ये पिलर पता नहीं किस चीज़ का है, तो है बट यहाँ पर कुछ लिखा भी हैगा यहाँ पे रायसेन के बारे में, तो मैं बताता हूँ आपको, आप पढ़ लेना अच्छे से देख लो। तो दोस्तों किले की स्थापना जो है राय सिंह यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, लगभग 1500 मतलब 1200 के लगभग ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और 15वीं शताब्दी के बाद इस पे मुग़लों का आक्रमण हो गया था, तुगलक जो थे, तो मतलब मुग़ल शासकों ने यार वाकई में बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है, काफ़ी क्या ही कर सकते हैं अब। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत और शानदार व्यू है। तो काफ़ी लोगों ने इस पर आक्रमण किया हैगा इस किले के ऊपर, तो बहुत ही सुंदर यार किला यार वाकई में, इतना खूबसूरत किला यार। तो कुछ जो
उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनकी ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तो यार देख रहे हो यार कितना खूबसूरत नक्काशी बनाई गई यार किले की। देखो यार वॉट यार ये खिड़की है, मतलब यार खिड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है किसी की, मतलब घर की यार, मतलब उनके लिए तो महल ही है ये, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, अपन देखते हैं पढ़ के क्या है क्या नहीं है। तो मतलब वाकई में बहुत ही, तो ये किले का मार्ग है कुछ, आप यहाँ देख किले की दीवार। तो दोस्तों देखा आपने कितना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल यार मतलब देखो कितना शानदार कितना खूबसूरत है यार, बिल्कुल हेरिटेज, बिल्कुल बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें में से एक चीज़ ये है यहाँ का किला। इतना खूबसूरत व्यू है यार यहाँ का, मतलब वाकई में बहुत ही खुशनुमा। ओह माय गॉड यार देखो यार सीरियसली यार वाकई में इतना शानदार यार। ये बेसिकली एक मंदिर हैगा, ये जहाँ से अपने फ़ोटो खींच रहे थे, तो एक ये मंदिर है शंकर भगवान जी का मंदिर है यहाँ पर। तो ये मतलब एक ही दिन खुलता है मंदिर रहेगा, जो कि किले का सबसे फेमस मंदिर रहेगा और सबसे बड़ा मंदिर रहेगा। जो राजा साहब ने इस मंदिर को बनवाया था, तो शंकर भगवान का मंदिर है बेसिकली यहाँ पे। तो ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन खुलता हैगा, वो भी शिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि पर खुलता हैगा, बाकी ये मंदिर बंद ही रहता हैगा। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यार दोस्तों देखो, शानदार एकदम बिल्कुल खूबसूरती तरीके से बिल्कुल बनाया गया है मंदिर को यार वाकई में। ये हैगा किला जो देख रहे हो, ये किला हैगा एक और ये दूसरा किला है, मतलब ये जॉइंट है पूरा। किला बहुत बड़ा है यार वाकई में, सीरियसली आप देख सकते हो इतना बड़ा किला है, बहुत ही बड़ा किला है, बहुत खूबसूरत है बहुत। अब हम मंदिर में चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और देखते हैं अंदर क्या है, कितना बड़ा मंदिर है। तो ये कुछ यहाँ की सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार, वाकई में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यार देखो यहाँ पर, कितना खूबसूरत व्यू है यार वाकई में। तो मंदिर कुछ ऐसा हैगा दोस्तों, ये मंदिर का गेट हैगा, कितना खूबसूरत गेट बनाया, मतलब चारों जगह से बिल्कुल खुला। और ये बिल्कुल मतलब फर्सियाँ रखी हुई हैं उस पर, मतलब आप देखोगे तो फर्सियाँ ही फर्सियाँ हैं, मतलब फर्सियों से बनाया गया है बिल्कुल। कितने बड़े बड़े पत्थर है यार इसकी, मतलब नक्काशियाँ देखो यार बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एकदम बारीकी से बिल्कुल उसमें डिज़ाइन भी किया गया है, बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई गई है वाकई में यार, इतनी बारीकी से बिल्कुल बनाई गई। अगर आप देखोगे तो बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये दिखी यार, ऊपर भगवान जी का लगा हुआ है, तो मतलब कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है यार। तो चलते हैं अंदर मंदिर की ओर, बहुत सबसे पुराना है, पता नहीं अंदर जा सकते कि नहीं जा सकते, कितना खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या ही हो सकता है यार। मतलब देखो वैसे ये शायद कुछ बना रहे रिपेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम तो बेसिकली हेरिटेज जगहों पर चलता ही रहता है, तो कुछ चल रहा है। तो ये मंदिर है, मंदिर तो वाकई में बहुत ही बड़ा मंदिर है यार, मतलब सीरियसली भगवान जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है यार, यहाँ का भी बहुत शानदार बहुत उत्तम है। देखो कितनी मतलब खूबसूरती तरीके से इसको समय बनाया गया था, मतलब इसकी डिज़ाइन तो दिखाता हूँ मैं आपको, डिज़ाइन देखो यार दोस्तों, मतलब बिल्कुल कितनी बारीकी से बिल्कुल इसको बनाया गया यार वाकई में। देखो इसकी विंडोज़ वगैरह बिल्कुल डिज़ाइन यार वाकई में बहुत ही खूबसूरत है यार। और ये जो ऊपर का बनाया गया है, मतलब ये पता है फर्सियों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, और ये बिल्कुल पत्थर है, बिल्कुल मतलब पत्थर रखे हुए हैं, देखो यार मतलब रखे हुए हैं पत्थर है बिल्कुल, बिल्कुल भी इसमें सीमेंट वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ उस समय, वैसे सीमेंट हुआ भी नहीं करता था सीमेंट, और यहाँ का कुछ नहीं वैसा है यार। देखो कितना खूबसूरत है यार, इतना ये विंडो है वैसे यहाँ की विंडो है, तो मतलब विंडो भी कितनी शानदार है यार, इतनी खूबसूरत हो सकती है मैं सोच नहीं सकता, मतलब यार देखो यार कितनी बारीकी से बिल्कुल इसको नक्काशियों से बनाया गया है, अद्भुत यार यहाँ का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। आगे चलते हैं, तो बेसिकली ये है मंदिर का प्रांगण, मतलब मंदिर जो अंदर हैगा ये मंदिर हैगा, तो मंदिर के अंदर बताता हूँ आपको क्या है। जैसे
पर विंडो बनाई गई है यार, आप देख सकते हो। मतलब वाकई में यार देखो कितनी खूबसूरत नकाशी यार, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ करके बिल्कुल बनाया गया है इसको। मतलब देखो यार बहुत ही, मतलब इसकी डिज़ाइन वगैरह बहुत ही शानदार है। वैसे मंदिरों में, मतलब मंदिरों में, मतलब जो पुरानी जो चीज़ें होती है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये जो है शंकर भगवान की पिंड यहाँ पर स्थापित की गई थी, मतलब उस समय की पिंड यार, मतलब कितनी पुरानी पिंड है, आप सोच सकते हो यार। वाकई में इस मंदिर का खूबसूरत ही नज़ारा यार, बहुत ही उत्तम नज़ारा है, आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो यार ये है शिवलिंग यहाँ के, मतलब कुछ इस प्रकार यहाँ के शिवलिंग है, मतलब अद्भुत है यार, वाकई में यार बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत शिवलिंग, बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू है यार, कितना शानदार और मतलब कितना शांति प्रिय है बिल्कुल यार, मतलब बहुत ही सुकून है यहाँ पर, ये जो मंदिर है बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसको दिया गया है यार, वाकई में यार मतलब इतना टैलेंट यार। देखो मतलब कितनी बिल्कुल नकाशियाँ, बिल्कुल बारीक बारीक नकाशियाँ बिल्कुल दी गई है इसमें, आप देख सकते हो वाकई में बहुत ही खूबसूरत। अभी तो और बचा हुआ है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ का, अभी तो बहुत सारे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर देखना है, और वहीं बहुत खूबसूरत है यार, वाकई में लव दिस यार, बहुत लव दिस। ये सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं यार, ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको सिर्फ रखे हुए हैं, मतलब एक ऊपर एक से जमा दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया, मैंने वाकई में यार तो बहुत ही नायाब चीज़ है यार, अजूबा भी कह सकते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब कितनी खूबसूरती से बनाया जाता है यार वाकई में। तो चलते हैं आगे की ओर, तो आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपकी वीडियो में यार, वाकई में यार बहुत ही खूबसूरत जगह है भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश रायसेन ज़िले में, कितना खूबसूरत मंदिर है यार, ये देख रहे हो मंदिर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत मंदिर है यार, ये मंदिर है यार बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब चलते हैं आगे, हम जाएंगे महल की ओर, जो यहाँ का महल है, किला है जो सबसे बड़ा, तो बेसिकली किला तो पहले गेट लगा देते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, और अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा किला जो आप देख रहे हो, ये किला है यहाँ पर, इतना खूबसूरत है यार, मतलब अब ये वैसे ख़राब हो रहा है वाकई में, देखो ऊपर से बिल्कुल जो है बहुत ही मतलब ख़राब टाइप का हो रहा है, वैसे इसका रिनोवेशन आई थिंक चल रहा है, तो इसका काम चलता ही रहता है। तो पहले अपन वहाँ से चलते हैं, वहाँ से एंट्रेंस लेते हैं कि वहाँ पर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं आगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू कितना शानदार है, ये कुछ इस तरीके की लोकेशन यहाँ पर दी गई है कि मतलब इतना बड़ा जो है वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। तो और यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन बनाई गई है टूरिस्ट वगैरह के लिए, देखो यार वाकई देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, बहुत चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ का और भी खूबसूरत नज़ारा। तो बारिश का मौसम भी बहुत हो गया है यार वाकई में, देखो कितना खूबसूरत है यार, मतलब एक एक पत्थर बारीकी से बिल्कुल जमाए गए हैं यार वाकई में, मतलब बहुत ही टैलेंटेड हुआ करते थे उस समय के लोग यार वाकई में, देखो कितना खूबसूरत यार, कितना खूबसूरत द्वार है, मतलब गेट देखो एंट्रेंस कितना खूबसूरत है यार, एकदम बारीकी से बिल्कुल बनाया गया है वाकई में यार। आजकल ऐसी चीज़ें देखने को बहुत ही कम मिलती हैं और धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें हैं वो भी ख़राब होते जा रही हैं, तो फिर भी सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो हेरिटेज चीज़ों का वाकई में ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। देखो यार कितना खूबसूरत है यार, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत। देखो ये है दोस्तों अंदर का कुछ व्यू है का, बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन है यार वाकई में, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मतलब किले का जो है, मतलब किला जो है आजू बाजू से बिल्कुल बनाया गया है, और ये बीच में जो एंट्रेंस जो पार्क होता है अंदर से जो बनाते हैं वो है, और कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, मतलब हरियाली हरियाली यार वाकई में, देखो यार कितना खूबसूरत तरीके से बिल्कुल बनाया गया है यार वाकई में,
अब ये वैसे के लिए मतलब ख़राब हो रहा है वैसे तो, इसके जो भी काफ़ी पुराना हो रहा है क्योंकि 1200 ईस्वी यानी कि बहुत टाइम पहले बनाया गया था यार, वाकई में हज़ारों साल पहले बनाया गया था यार, हज़ारों नहीं मतलब 1000 साल पहले बनाया गया था। तो ये कितना खूबसूरत था यार, बहुत ही शानदार था, देख सकते हो आप लोग यार इतना खूबसूरत है यार यहाँ पर। तो आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण कर करके तो इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया था, बिल्कुल खंडित कर दिया था। जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब इस पर मुगलों का शासक रहा है राय सिंह जो थे यहाँ के महाराज, उन्होंने यहाँ की स्थापना करी थी और उसके बाद फिर इस पर आक्रमण किए जाते थे दिल्ली से, बिल्कुल यहाँ पर लोग बाग आक्रमण के लिए आया करते थे, मतलब जो भी पुराने जो शासक रहा करते थे मुगल वगैरह जो भी हैं मुगलों का शासक रहा पर यहाँ पर, तो उसकी बिल्कुल हालत जो है कुछ इस प्रकार है। फिर भी मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिल्कुल इसको अभी भी सजो के रखा गया है यार, वाकई में बहुत ही शानदार व्यू है, ऑसम यार, देख सकते हो आप लोग मतलब कितना सुंदर है किला यार बिल्कुल। और देखो यार मतलब ये गुम्बद है बिल्कुल जो कि टूट फूट चुका है, लेकिन जो 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 पुरानी जो चीज़ें ना यार वाकई में देखो यार मतलब अभी भी जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो भी हैं उसमें अभी भी वैसे के वैसे ही हैं यार वाकई में, मतलब कितनी मजबूत तरीके से बनाया जाता है यार उस समय, और बिल्कुल कितना खूबसूरत यार रियलिटी। देखो यार पूरा महल ये हैगा, ये पूरा महल हैगा वाकई में, ये महल हैगा और बहुत ही खूबसूरत महल है यार, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत महल है यार। देखो तो ये जो हैगा कुंड हैगा यहाँ पर, एक कुंड जो है शायद इसी में ही राजा महाराजा लोग जो है नहाया करते थे, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बिल्कुल डेवलप किया गया है यार वाकई में, मतलब उस समय देखो यार जो झील टाइप का इसमें पानी जमा होता था और सब लोग यहाँ के शायद लोग यूज़ किया करते होंगे इसे, तो मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत सारा बिल्कुल। अब तो वैसे पंछियों ने इस पर डेरा बना के रखा हुआ है, बिल्कुल आवाज़ें आ रही हैं पंछियों की, तो जाना खतरे से खाली नहीं है ऊपर, तो मैं तो जाऊँगा नहीं ऐसे भी, मुझे ठीक नहीं लगता है, तो अपन नीचे चल के मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो फाइनली आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, कितना इतना खूबसूरत नज़ारा कौन एंजॉय नहीं करना चाहेगा यार वाकई में। देखो यार मतलब मैं बताता हूँ आपको, नीचे चल के मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से नीचे चलते हैं, ये डॉगी भाई सब बैठे हैं अपने, तो नीचे चल के देखते हैं आखिर में यहाँ है क्या, तो देखते हैं कहाँ आ गए हम। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू है यार, मौसम पानी यहाँ पे शायद पानी जमा होता था और लोग यहाँ पे आया करते थे पानी वगैरह, मतलब यहाँ पे यूज़ करते होंगे कुंड टाइप का, जैसे कि अपने घरों में टंकियाँ अपन बना के रखते हैं बेसमेंट में, तो राजा महाराजाओं पे कुछ कुंड बना के रखे हैं पानी के यूज़ के लिए, तो बहुत ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैगी बिल्कुल खूबसूरत। देखो यार मतलब यहाँ के अंदर से सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं नीचे उतरने के लिए, तो कुछ यहाँ से बहुत एक एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, नीचे चल के देखते हैं और कुछ अंदर से चलते हैं। भाई गॉड यार जैसा सीन है यहाँ का रियल में यार, देखो कितना कितना खूबसूरत है यार। तो ये कुछ टाइप का हुआ करता था राजा महाराजाओं का महल, यहाँ की खूबसूरती का तो कुछ जवाब ही नहीं है यार, यार मतलब हर चीज़ वहाँ पर गेट है मतलब गेट ही गेट बनाए जाते थे, और यहाँ पर कुछ पानी वगैरह भी थोड़ा सा उसमें हलचल सी हो रही है पानी में, तो मैं पानी के नज़दीक नहीं जाऊँगा। और देखो यार कितना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल कितना खूबसूरत है ये जमा हुआ पानी, इसमें बिल्कुल चला जाए अब यहाँ से चलते हैं आगे। और अभी तो महल बहुत बड़ा है यार वाकई में, घूमते घूमते थक गया मैं, तो चला जाए यहाँ से निकला जाए। तो डॉगी साहब यहाँ पर हमसे डर गए, मैं डॉगी से डर गया वाकई में यार, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है बिल्कुल बहुत शानदार। अभी शायद इसका मरम्मत का
काम चल रहा हैगा और इसकी जो खूबसूरती है आप भी देख सकते हो, बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ का। मतलब ये पूरा ढांचा जो है तोड़ दिया गया था शायद, इसका जो ऊपर का है तोड़ दिया गया था उस समय जब मुगलों का शासक हुआ करता था, तो नष्ट तो बहुत कुछ किया गया है यार वाकई में। पुरानी पुरानी चीज़ों को इतना बर्बाद किया गया है तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो अपन आगे चलते हैं और आगे मैं बताता हूँ आपको कि आगे क्या क्या है। तो ये उठाया हमने हेलमेट और चला जाए आगे। तो ये जो तालाब आप देख रहे हो, छोटा सा कुंड है बेसिकली, तो इसका नाम जो रखा गया था मोतिया तालाब रखा गया था इसका नाम। तो ये है यहाँ का व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू है। और दोस्तों आपको दिखा दूँ, ये है एंट्रेंस जो कि मतलब महल का जो एंट्रेंस है, मतलब ये भी एक गेट में से भी कितना शानदार व्यू है यार, देख सकते हो आप लोग। मतलब गेट कितना खूबसूरत लग रहा है यार वाकई में। वहाँ से भी एंट्रेंस है जहाँ से आप जाना समझा सकते हो, वहाँ से देखो कितना खूबसूरत है। तो चलते हैं आगे और बताता हूँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। तो भाई फाइनली चलते हैं आगे और हमने एंट्री मार ली है गेट पे। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेट को बनाया गया है वाकई में यार, देखो बिल्कुल इसकी नक्काशियाँ बिल्कुल आपको दिख रही होगी, कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसको वाकई में यार। बहुत छोटी छोटी तरीके से इसको सजाया जाता है, बिल्कुल देखो यार कितना खूबसूरत है यार, कितना शानदार है। ये देखो यार, ये हैगा बैक जो कह सकते हो आप, कुछ बैक साइड ऑफ रायसेन महल, ये महल के बैक साइड हैगा। तो हम फ्रंट पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ये हैगा यहाँ का एंट्रेंस जो है, ये हैगा कितना खूबसूरत है यार वाकई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये देखो रास्ता यार, मतलब फरसियों से रास्ता बनाया गया था, कितना सुंदर तरीके से इसको डेवलप किया गया था वाकई, बहुत ही तारीफ के काबिल हैगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम एंट्रेंस लेते हैं, तो ये महल का कुछ एंट्रेंस है। तो पता नहीं यहाँ पर रूम्स वगैरह हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे। तो बहुत ही बारिश शुरू हो गई है वैसे तो, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का आप देख सकते हैं। तो पता नहीं यहाँ पे कुछ इत्रदान टाइप का कुछ हैगा यहाँ पे, इसका सीन जो है कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। ये जो गेट मतलब ये जो है बिल्कुल यहाँ पे इस रूम में बिल्कुल गेट ही गेट हैंगे, तो इस तरीके से इसको कर दिया है। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुग़ल थे और उन्होंने यहीं पर ही मतलब इस पर अटैक करके जो है इसको नेस्तनाबूद कर दिया था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा बताया गया है हिस्ट्री में भी। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ का सीन है यार वाकई, बहुत खूबसूरत है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। वैसे हल्का हल्का बारिश शुरू हो गई है तो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, तो जो है ये तोप, तो देख सकते हो अभी तोप के बारे में यहाँ पर दिखाया गया। तारीख शेरशाही में लेख है दिल्ली का शासक जो भी था, यहाँ पर देखो इसका तोप यार, मतलब वाकई में यार बिल्कुल लोहे से बना हुआ है, बिल्कुल कितना शानदार और कितना खूबसूरत है यार, मतलब यहाँ का यार कितनी मस्त प्रकार की तोपे, मतलब ये तोप है यार रियल की, कितना शानदार है यार, मतलब बहुत ही अद्भुत यार, मतलब बहुत ही अद्भुत यार, बहुत सुंदर यार। कुछ यहाँ की ऐसी हिस्ट्री नहीं है, आप पढ़ सकते हो देख सकते हो। तो बहुत खूबसूरत हैं कुछ ये तोपे रखी हुई हैं यहाँ पर, तो बहुत ही शानदार यार, मतलब बहुत खूबसूरत यार, देख सकते हो यार बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है बिल्कुल डिज़ाइन इसकी वाकई में यार। देखो तोप की जो डिज़ाइन है यार, मतलब देख सकते हो आप कितनी बारीकी सी तोप बनाई गई है वाकई में यार, जो पुराने समय था यार वाकई में बहुत ही खूबसूरत रहा होगा यार वाकई में। तो चलते हैं आगे की और बताते हैं आपको क्या क्या है। तो आप देख चुके हैं उस तोप को, कितना खूबसूरत है यार, मतलब देखो तो यार कितनी खूबसूरत तोप है यार। तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें, और देखो इसकी डिज़ाइन जो देख सकते हो आप, मतलब देखो कितनी शानदार डिज़ाइन है यार, मतलब
जो व्यू है इसका देखो यार, वाकई में यार बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यार वाकई में। तो ये सबसे बड़ी तोप है वैसे, ये सबसे बड़ी तोप है, ये कुछ इस प्रकार से तोपें बनाई जाती थी वाकई, पता नहीं क्या ही कहा जाए। तो चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको बाकी का आगे का नज़ारा और यहाँ पर क्या है। वैसे तो सारा कुछ आपने देख ही लिया है, तो बहुत ही यहाँ पर आकर मज़ा आया है और इतनी खूबसूरत जगहों में घूमने का आनंद ही कुछ और होता है यार। बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, थोड़ा सा सुकून आपको मिलता है। तो ऐसी जगहों पे आना भी चाहिए और थोड़ा सा घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पर है क्या क्या नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है इतना। और अभी भी इसकी मरम्मत का काम चल रहा है, वैसे तो चलता ही रहता है क्योंकि इसको हमेशा की तरह बनाए रखना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। क्योंकि हेरिटेज जो भी जगहें होती है तो उन्हें इसी प्रकार बिल्कुल सजा कर रखा जाता है। तो यहाँ से अपन चलते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या है, आगे जाकर देखते हैं। देखो यार कितनी बारीकी से बिल्कुल पत्थर एकदम तरीके से बिल्कुल जमाए गए हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप लोग। तो बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही, बिल्कुल मध्यम मध्यम बारिश हो ही रही है। तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, कितना खूबसूरत है यार, रियली यार बहुत प्यारा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे कुछ और भी। ये जो किला जो है बहुत शानदार। अच्छा यहाँ सब एंट्रेंस ही एंट्रेंस है, ये भी यहाँ का गेट रहा होगा उस समय का। अच्छा तो जो मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया था तो वो यहाँ से जुड़ता है, तो मतलब एक जो यहाँ के जो गेट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, वाह यार ऑसम व्यू। मैं जो आपको व्यू दिखाने वाला हूँ वाकई में बहुत ऑसम व्यू है यार, तो आप इंजॉय करोगे इसको यार। व्हाट अ व्यू यार, दिखाता हूँ मैं आपको बेस्ट लोकेशन ऑफ व्यू, गजब का व्यू है यार, देख सकते हो यार वाकई में बहुत ही ऑसम व्यू है। तो चलते हैं ऊपर, बताता हूँ आपको कितना खूबसूरत नज़ारा है यार वाकई में, देख सकते हो आप, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। नज़ारा यार देखो यार, बिल्कुल मतलब महल और महल से बिल्कुल यहाँ बिल्कुल मतलब टॉप पहाड़ी पर खड़े हुए हैं अपन। तो कितना खूबसूरत, पूरी सिटी आप नीचे से देख सकते हो, पूरा शहर आप नीचे से देख सकते हो, रायसेन का जो ज़िला है। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस किले को सजाया गया है उस समय, वाकई यार सबसे टॉप पर मतलब इतने ऊपर भी हुई, देख सकते हो आप कितना खूबसूरत व्यू है यार, बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कितना ही फिर कितनी तारीफ कर लूँ ना, कमी है। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल आबादी है, तो दोस्तों सबसे टॉप पर हूँ मैं। कितना शानदार व्यू है यार यहाँ का, लग्जरी बिल्कुल मतलब कितना खूबसूरत, कितना प्यारा व्यू है यार, देख सकते हो मतलब बहुत खौफनाक भी गहरा है। तो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे झांकना, वैसे मेरे को ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके के रूम्स यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े यहाँ पर रूम्स भी बने रहते थे उस समय। तो कितना शानदार, कितना खूबसूरत है यार, देखो यार कितना कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये देखो यार यहाँ की जो नक्काशी है जो मैंने देखी है, बिल्कुल मतलब इतनी डिज़ाइन तरीके से इसको बनाया गया है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। मतलब आप देख सकते हो, देखो कितना फूल वगैरह जो भी है, फूल बिल्कुल एकदम डिज़ाइन से बिल्कुल एकदम किया गया है, बिल्कुल डिज़ाइन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है वाकई में। उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वाकई में
बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू है यार, देखिए मतलब कितना खूबसूरत व्यू है, यहाँ से उतर कर जा सकते हैं। तो शायद अपन जो है लास्ट उस पर खड़े हैं, मतलब जो यहाँ का जो लास्ट है वो ये कुछ यहाँ का व्यू है, मैं ज़्यादा आगे बहुत खूबसूरत व्यू है दोस्तों, इससे खूबसूरत व्यू और कुछ नहीं हो सकता। वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर आके रियली, तो मैं वहाँ पर आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ लास्ट व्यू आपको, जिससे देखकर आपका दिल और ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो चलते हैं, जब थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ता है, धीरे धीरे चलते हैं। जैसा व्यू है यहाँ का देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर किला है, तो ये किला जो इतना बड़ा किला है, बिल्कुल बहुत बड़ा किला है, महल भी है ये पूरा। तो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू है पीछे साइड का, यहाँ से भी आप किले को देख सकते हो, इतना खूबसूरत नज़ारा है यार, मतलब वाकई में बहुत ही प्यारा नज़ारा है। कुछ लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं, तो कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। तो हम लोग फाइनली लास्ट मतलब किले के लास्ट छोर पे खड़े थे, तो यहाँ से शायद नज़र रखी जाती होगी उस समय, क्योंकि ये टॉप पर है और एंडिंग पॉइंट है यहाँ का, तो यहाँ से पूरे किले पर नज़र रखी जाती होगी, आने जाने का रास्ता भी यहीं से ही हुआ करता है, तो उस पर सब नज़र रखते होंगे कि कहाँ से क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। तो कुछ ऐसा व्यू, शानदार व्यू रहा है आज का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस को देखने के लिए, व्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो भाई यहाँ से अब अपन निकल रहे हैं, तो इतना खूबसूरत व्यू रहा है यार आज का, वाकई में बहुत ही मज़ा आ गया। तो देख सकते हो यार बिल्कुल कितना प्यारा रहा है यहाँ का वीडियोज़। जो है कि बारिश जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब मध्यम मध्यम गिर रही है, वो तो अच्छा है कि तेज़ बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो मेरा व्लॉग जो है नहीं बन पाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार वाकई में। तो कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है यार दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, ये देखो कितना मतलब डिज़ाइन में दीवारों को मतलब तैयार किया गया है यार, वाकई में इतना खूबसूरत बनाया जाता था, मैं सीरियसली देख सकते हो आप बिल्कुल कितना खूबसूरती तरीके से पत्थरों को बिल्कुल लगाया गया है, लाइन से जमाया गया है, ये देख सकते हो यार वाकई में क्या खूबसूरत डिज़ाइन निकाली है इसकी यार, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। तो फाइनली अब हमारा ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है, तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो दोस्तों, फाइनली आपको बता दूँ मैं, कितना देखो यार कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत है। तो आज का दिन मेरा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा,
तो मैं आया यहाँ पर, मैंने देखा। और अगर आप लोग भी यहाँ पर विज़िट करना चाहते तो बिल्कुल आइए, यहाँ पर एंजॉय करिए और घूमिए, देखिए यहाँ का व्यू रायसेन का, भोपाल का, तो बहुत ही शानदार व्यू है। तो ये देखो कितना खूबसूरत किला है यार, कितना खूबसूरत। वाकई में इतना खुशी हो रही है यहाँ पे आके, सीरियसली, मतलब बहुत ही ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने में कितना मतलब अच्छा लगता है यार, वाकई में बहुत। वहाँ से अब देखो नीचे उतर रहे हैं, तो अब जाएंगे घर, अपने अपने घर चले हम। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की सीढ़ियाँ वगैरह लगा, ये भी कुछ यहाँ पर रूम्स हुआ करते होंगे। तो मतलब जब मेरे अंदाज के अनुसार शायद ये जो चीज़ें आप देख रहे हो तो इससे भी अधिक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुआ करती होगी, जो कि तोड़ दी गई हैं, जो कि बर्बाद कर दी गई हैं, तो कुछ मुगलों शासकों द्वारा, तो काफ़ी इसको हानि पहुँचाई गई है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है यार, माय गॉड, पोर्टल गिर गई, गजब यार। लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, आते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा कोई मिस कैसे कर सकता है। तो ये कुछ टेंपल था जो अभी अपन ने देखा था, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का यार, वाकई में देख सकते हो आप धोबी महल। अच्छा तो ये धोबी महल, मतलब जो मैंने आपको घाट दिखाया था, ये धोबी महल, यहाँ पर जो है थी कपड़े वगैरह धुलते थे राजा महाराजाओं के, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, देख सकते हो आप लोग, इतनी खूबसूरत चीज़ें हो गई हैं। तो भाई फाइनली ये है, यहाँ से अब निकला जाए, जाया जाए। तो बाय 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 बाय। बहुत सुंदर यार वाकई में, कितना सुंदर नज़ारा है बिल्कुल। तो यार कितना ही इस महल की तारीफ़ की जाए उतनी कम है, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का आज का व्यू रहा है वाकई में। देखो यार कितना सुंदर, मतलब क्या ही बोलें, जो कि यहाँ के राय सिंह जो है, तो उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है रायसेन। तो रायसेन का किला बेसिकली जो राजा महाराजाओं के नाम पर ही वहाँ का डिसाइड हो जाता था कि यहाँ का किला ये है, मतलब तो यहाँ का प्लेस का नाम जो है ऐसा रख दिया जाता था। तो बहुत खूबसूरत है, अगर किसी ने, आप लोगों ने किसी ने अगर यहाँ पर विज़िट नहीं किया है तो आप लोग आइए, इसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वाकई में दोस्तों, बहुत प्यारा है यहाँ का व्यू।